जिले में दस्तक पखवाड़ा की शुरुआत 10 मार्च से किया जाएगा। इसके तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर JEE AES मरीजों के साथ TB और कालाजार रोगियों की खोज करेंगी और चिन्हित रोगियों को तुरंत उपचार मुहैया कराया जाएगा। संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए 1 मार्च से चलाए जा रहे संचारी रोग अभियान के तहत 10 मार्च से दस्तक अभियान शुरू हो रहा है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी KV Jain Pandyan ने कहा कि दस्तक अभियान के दौरान आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर टीवी मरीजों के बारे में जानकारी करेंगी, जिससे 2025 तक पूरे देश को टीवी मुक्त देश बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी KV Jain Pandyan ने कहा, देखिए गोरखपुर जनपद खासतौर पर JEE AES के लिए बहुत जाना जाता था। अभी 3 साल पहले हजारों बच्चे मरते थे, अभी तो स्थिति तो बिल्कुल नियंत्रण में है। पिछले साल ना के बराबर मरीज रिपोर्ट हुए हैं, बट फिर भी हम लोग कोरोना के साथ साथ इस समय में जो हम लोग JEE AES को भी फोकस कर रहे हैं, साथ साथ TB को भी हम लोग एक अभियान के तौर से लेके जा रहे हैं। इस पर हमारा टीम 10 तारीख से कल से हर घर में जा करके इसको जागरूकता करेंगे। खासतौर पर एक ही मैसेज में हम लोग जोर देते हैं, इस मौसम पे यानी मान लीजिए तो मार्च से लेके आप अक्टूबर तक बीच में कोई भी बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुखार पड़ते हैं, उसका बिना आपका जो सोचते हुए नज़दीकी सरकारी महकमा में ले आकर के इलाज शुरू कर दीजिए। अक्सर ये गलती हो जाती है, बच्चे का हल्की सी बुखार से नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर पता नहीं चलता है JEE AES होते तो बच्चे 2-3 दिन में मर जाते हैं। और यदि तो बच्चे के 24 घंटे के अंदर किसी भी सरकारी महकमा में ले आएंगे, फिर हम लोग उपचार शुरू कर देंगे, वो बच्चे के बचा सकते हैं। यही एक मूल मंत्र होता है, उसको हम समझा देंगे, बता देंगे। और इस समय में कोविड भी चल रहा, उसको भी जागरूकता करेंगे। फिर TB का भी खासतौर पर इस बार अभियान में जुड़ा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ताकि 2025 तक का TB मुक्त भारत कराना है, उसी के अभियान में भी हम लोग TB के भी जांच कराएंगे, उसको भी जागरूकता फैलाएंगे। और जो खासतौर पे छोटे बच्चे हैं, किसका TB का लक्षण है, उनको जांच कराते हैं, उसको गोद भी लेंगे, ताकि वो बच्चे का जल्दी सुधार कर सकते हैं और बच्चे का बेहतर बचा सकते हैं, उसी का अभियान कल से हमारा प्लान है। कालाजार भी है, कालाजार फिलहाल जो पिछले 2 साल में गोरखपुर में रिपोर्ट नहीं हुआ है, सिद्धार्थनगर और अन्य जनपद में 1-2 केसेस रिपोर्ट हुई है, फिर भी उसको भी हम लेते हुए जा रहे हैं उसको अभियान में। कालाजार, मलेरिया, फिलेरिया, JEE AES, इवन कोविड है, फिर TB है, ये सारे चीज़ लेते हुए एक अभियान है, ये कल से प्रारंभ होगा।